As Prime Minister, you have taken various initiatives from the Kashi Tamil Sangamam to the installation of Tamil Sangol in the par Parliament. What led you to these initiatives? तो कि जहाँ तक काशी Tamil Sangamam है, मैं काशी का सांसद के नाते, मैं वैसे काशी पहले भी जाता था, लेकिन MP बनने के बाद मेरा हाँ नजरें थोड़ा बदल जाता है, चीजों पर focus बदल जाता है। तो मैं देख रहा था इवन जो नाविक है वहाँ वे गुजराती भी तो काशी आते हैं बंगाली भी आते हैं महाराष्ट्र भी आते हैं लेकिन बहुत कम नाविक हैं जो इन भाषाओं में कुछ बोलते हैं या कुछ बात करते हैं लेकिन सरप्राइजिंगली वहाँ पर बहुत सारे नाविक हैं जो वहीं के हैं वहीं के लोग हैं वो तमिलनाडु के नहीं है तमिल बोल लेते हैं क्यों मैक्सिमम यात्री तमिलनाडु से आते हैं काशी में और उसके कारण उनको सहज बातचीत तमिल उनको अच्छा वो हिंदी बोल नहीं पाते तो मुझे लगा कि बहुत बड़ा बाइंडिंग है और हमारे भारती जी का परिवार भी वहाँ रहता है आज भी सुब्रमण्यम भारती सुब्रमण्यम भारती जी के परिवारजन आज भी वहाँ रहते हैं फिर मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भारती जी के नाम से एक चेयर किया फिर मेरे मन में आया कि मैं काशी तमिल संगमम का कार्यक्रम करूंगा। आते तो हैं लोग लेकिन ऑर्गेनाइजे में हो और उसमें काशी में, में लोग तमिल कल्चर को अनुभव करें तो वहाँ तमिल फूड का कार्यक्रम होता है तमिल नाट्य नृत्य का कार्यक्रम होता है तमिल लिटरेचर का कार्यक्रम होता है और आपको हैरान होंगे सबसे ज़्यादा किताबें तमिल लिटरेचर का कार्यक्रम था तमिल भाषा की वहाँ भी, भी की तो एक मुझे इसकी बहुत बड़ी ताकत महसूस होती देश की एकता के लिए जहां तक संगोल का सवाल है देखिए ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि भारत की आजादी का सबसे पहला पल जो था आजादी की पहली पल जहा ये आजाद हुए वो पल इस सेंगोल के साथ जुड़ी हुई है उसी पर हमारे जो तमिलनाडु के संत हैं सारे आदि 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 तो उन्होंने ये सेंगोल दिया था और पंडित नेहरू को यानी एक शासन परिवर्तन का राज्य दंड उनको दिया गया था लेकिन उनके साथ श्रद्धा होगी जो भी होगा तो इलाहाबाद के उनके म्यूजियम में पड़ा था नीचे लिखा था वॉकिंग स्ट्रीट इतनी बड़ी पवित्र चीज़ को नीचे वॉकिंग स्ट्रीट रखा मेरे ध्यान में सारी बातें लाई गई तो मैंने रिसर्च के मेरे तो का शौक हो जो कहाँ पढ़ा है क्या है मुझे वहाँ से मिला मैंने अजिनम के जब संत हैं उनसे पूछा सारा फिर तमिलनाडु में कहाँ बना था उस सोनार से पूछा सारा रिसर्च किया करीब साल भर रिसर्च किया और मैंने मन बना लिया कि मैं इसको ये भारत की आज़ादी का पहला हमारा साक्षी है ये हमारी प्रेरणा है तो जब नई संसद बनेगी तो उसमें उसको हम प्रस्थापित करेंगे और फिर हम उसको एक कोने में डाल देंगे ऐसा नहीं हमने इसको जीवंत तो बनाया इस बार राष्ट्रपति जी गए तो पहले सेंगोल चल रहा है फिर राष्ट्रपति जा रहे हैं तो और फिर सेंगोल को राष्ट्रपति जी के सामने प्रस्थापित किया जाता है फिर राष्ट्रपति जी का भाषण शुरू होता है उसका तो एक बहुत बड़ा हमने प्रोटोकॉल डेवलप किया है देश को आजादी की पहली बार वो याद रहनी चाहिए और सेंगोल भारत के अंदर राज्य व्यवस्था से जुड़ी हुई महान परंपरा है तमिलनाडु की हमें गर्व होना चाहिए देश का दुर्भाग्य देखिए कि तमिल के नेता खुद तमिल के नेता खुद इसका बहिष्कार किया इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है अगर तमिलनाडु की लीडरशिप तमिल कल्चर तमिल की हिस्ट्री इस पर गर्व नहीं करेगी तो फिर कितना नुकसान होगा इस उनका अंदाज नहीं है सर यू टॉक अबाउट सेंगोल एंड एंड तमिल संगम ऑफ थिंग्स बट ऐसा बोला जाता है कि मोदी जी ये सब पॉलिटिकल रीजन के लिए कर रहा है तमिलनाडु से वोट कमाने के लिए ये सब कर रहा है तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा अगर इसी से वोट मिलता तो ये लोग तो मेरे से दस गुना ज्यादा कर लेते <laughs> उनके पास तो सब ताकत है उनको मालूम है कि इससे देश मजबूत होता है उनको मालूम है इसके कारण वोट बैंक की राजनीति ख़त्म हो जाती है इनको मालूम है कि ऐसा होने से परिवारवाद की राजनीति ख़त्म होती है इसलिए वो इन चीज़ों से डरते हैं अगर इसे वोट मिलता तो मेरे से पहले वो दौड़ते हैं